हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग ओस के बारे में जान रहे थे, तो मैं कुछ आपको डिटेल्स और देता हूँ कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है ओस का, और इसकी कितना पानी बचाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ओस मेनली चार रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है। आपके पानी को ऑन ऑफ करता है, आपके जो वाटर लेवल है टंकी का उसको मॉनिटरिंग करके रखता है, आपकी मोटर को किसी भी परिस्थिति में सूखा नहीं चलने देता, ड्राई रन की सेफ्टी है, और जो चौथा पॉइंट है आप उसमें मैनुअल बाईपास कर सकते हैं। तो ओस प्रोडक्ट आपके जीवन में ऐसी चार महत्वपूर्ण चीजें करता है, लेकिन पीछे अनजाने में वो बहुत सारे डिटेल में प्रोसेस करता है और कितनी भी जटिल परिस्थिति में आपके उपयोग में आता है। तो इस चीज को मैंने पिछले वीडियो में टेक्निकल डिटेल्स में काफी बताया। तो लेकिन ये चार मेजर जिम्मेदारियां आपके लिए ओस करेगा: पानी को पंप को ऑन ऑफ करेगा, वाटर लेवल को मॉनिटर करेगा, ड्राई रन से बचाएगा, और मैनुअल बाईपास। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है कि ये कैसे जाने कि रियली क्या ये महत्वपूर्ण है कि सभी लोगों को ओस लगाना चाहिए, बड़ी बिल्डिंगों में, छोटी बिल्डिंगों में क्यों लगाएं, ऐसा क्या हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आता है कि कितना पानी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा क्या रियली बहुत पानी बर्बाद होता है, क्या पानी महत्वपूर्ण हो गया है। तो अगर आप इसका अंदाजा लगाएं कि जो शहर अभी बड़े हो रहे हैं और जहां पे लंबी और ऊंची में इमारतें बन रही है, वहां एक ही जगह पे इतना ज्यादा पानी का प्रयोग होता है क्योंकि ऊंचाई में बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसके अलावा शहर में एक ही जगह पे अधिक लोगों के रहने के कारण जो पानी क्वालिटी, पीने लायक पानी की कमी और नहाने लायक पानी की कमी हो रही है, जबकि हो सकता है गाँव में अच्छा पानी अवेलेबल हो। तो पानी को लाने में फ्यूल खर्च होना, पाइपलाइन का खर्च होना, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होता है, और बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपका पंप 1 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा चल जाता है, और मान लीजिए 20 मिनट में आपका पंप टैंक भर जाता है और 1 मिनट भी एक्स्ट्रा चलता है, तो कम से कम आपका 5% पानी फालतू बह रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये आइडियल केस है, ठीक है। कई बार पंप पानी बहता है छत से, बहते बहते पाइप से होते होते वो नीचे तक आता है, जब आवाज आती है तब हम बंद करते हैं, बड़ा घर हो तो और भी ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। तो वो 40% तक भी आपका पानी बर्बाद हो सकता है, एक टाइम में जितना पानी आ रहा है उसका 40% बहा, ठीक है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 5% से 40%, चलिए हम 5 से 10% ही एवरेज मान लेते हैं, तो भी मतलब भारत की 50 शहरों में जितना पानी प्रयोग हो सकता है उतना पानी हम पूरे 500 शहरों में बर्बाद कर देते हैं। जबकि आप देखेंगे जो बड़ी टीयर 2 1 टीयर 2 सिटीज हैं, जिसमें जितनी राजधानियां हैं भारत की, तो ये जितना पानी प्रयोग करती हैं लगभग उतना पानी हम बर्बाद कर देते हैं सिर्फ वाटर के ओवरफ्लो में। तो और उसके बराबर बिजली का बिल नापे हम तो कम से कम 5% बिजली का बिल हमारा वेस्टेज में बह जाता है ना, क्योंकि घर में पानी की मोटर का बिल एक कंसिडरेबल बिल होता है अगर वहां एसी ना लगी हो। तो ऐसे केस में ज्यादातर घरों में 90-80% घरों में पंखे और लाइट के बाद पानी का बिल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पानी की मोटर जो चलती है, पंप चलता है, तो उसका 10% भी लेते हैं तो 5% तो आपको आराम से बिजली का बिल भी बर्बाद हो रहा है। तो जो ये पानी बर्बाद हो रहा है ये काफी ज्यादा है, ये हल्का फुल्का नहीं है, बस पता नहीं चलता, हमको एहसास नहीं होता क्योंकि कभी हम इसके बारे में जोड़ते नहीं है। और आपको पता है पानी की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मतलब आप 20 से 25 रुपए लीटर पानी हो गया है, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और फ्यूल नीचे नीचे जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चार्जिंग वाली गाड़ियां आ रही हैं, पानी उससे ज्यादा महंगा बिकेगा, तो क्या हमें वहां भी ऑटोमेशन की जरूरत है। तो ओस हर घर की एक बेसिक जरूरत है। दूसरा ये फायदा ये होता है कि इसके कंक्रीट पे बहुत असर पड़ता है, जो मैं बताऊंगा कि जो आपकी बिल्डिंग का छत में लीकेज हो जाता है वहां पे भी इसका बहुत लंबा असर है। अगर आप ये सारे डिटेल्स देख ही चुके हैं, लेकिन जो लीकेज वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट, तो उस जब भी बिल्डिंग में नहीं लगा होता, तो ये मैं कुछ गवर्नमेंट कॉलोनीज, बड़ी कॉलोनीज में भी ये प्रॉब्लम है और सभी जगहों पे जहां पर भी सेंट्रलाइज सिस्टम वाटर कंट्रोलर का नहीं लगा है तो वहां पे पानी बहेगा। और पानी जब बहता है तो अगर उस बिल्डिंग को 50 साल 100 साल के लिए बनाया गया है, वो उससे बहुत कम समय में ही वहां लीकेज स्टार्ट हो जाता है, खासकर सबसे ऊपर वाली छत में। तो
तो उसमें वहां की सरिया कंक्रीट वो भी वीक हो जाती है, उसमें सीलन की समस्या हो जाती है ना, तो उसमें महक बनी रहती है कमरे में। तो देखा जाए तो वो आपकी आपको लीकेज से भी बचा रहा है, सीलन से बचा रहा है, पानी भी बचा रहा है, बिजली भी बचा रहा है, और जो आपका रूफ है उसकी लाइफ भी बढ़ा रहा है। तो इसका असर सिर्फ आपके घर के जीवन काल पे भी है, और साथ साथ जो आपका कंज्यूमेबल है मतलब जो बिजली है और पानी है उस पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। तो ओस आपको क्यों लगवाना चाहिए, उसके ये चार प्रमुख कारण हैं। और जीवन में जो चार सुविधाएं आ रही थी वो तो मैंने आपको बताई कि जो ऑन ऑफ की सुविधा है। तो जो इम्पैक्ट है आपके जीवन में पानी के बचत से, पूरे सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बताएं और आपकी कॉलोनीज में जहां आप रहते हैं आप अपने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करें, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपके कॉलोनी का वो आपको सैनिटाइज ओस लगवाएंगे। और ये बहुत ही लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, मतलब अगर वहां 200-400 फैमिली लग रही है और एक ही पंप से पानी भरा जा रहा है तो सिर्फ एक पीस ही लग रहा है, तो शायद पर फैमिली लाइफ टाइम में 100 रुपीज 200 रुपीज का भी खर्चा नहीं है, राइट। तो थैंक यू। तो ये एक इम्पैक्ट को मेजर करने का वीडियो था।